जय हिंद, आप देख रहे हैं बीटीपी टीवी। मैं आपके सवाल बेहद सबसे बड़े मुद्दे पर आज प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में उसे तो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, और सुशासन बाबू की सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिस वर्ग को यह सरकार ध्यान न दी हो। लेकिन एक ऐसी परिस्थितियां, एक ऐसा मुद्दा जिस पर लगभग सभी मीडिया कर्मियों को शायद जरूरत नहीं लग रही है बात करने की, क्योंकि ऐसे भी मीडिया कर्मी बहुत से हैं जो वाहवाही करने से उनको फुर्सत ही नहीं है। मध्य प्रदेश की उस व्यवस्था पर हम बात करने जा रहा हूं जो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। बात करूं मध्य प्रदेश में पानी की व्यवस्था के लिए हर जिले, हर तहसील, हर गांवों तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पाइपलाइन बिछाया गया, टंकियां रखी गई और हर घर में टोटियां लगाई गई कि पानी मिलेगा, और उस जनता को आस हो गई कि हमें अब भटकना नहीं पड़ेगा, पानी हमारे द्वार पर पहुंचेगा, क्योंकि हमारे टैक्स के रुपए को यह बेहतर सरकार सदुपयोग कर रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांवों में टंकियां चढ़ाई गई, हर गांवों में पाइपलाइन बिछाई गई, और वह पाइपलाइन महज कुछ ही चंद दिनों में खत्म सी हो गई। इतना घटिया कार्य हुआ जिस पर भी किसी भी मीडिया कर्मी को दिखा नहीं, समाज से भी लगातार चिल्लाते रहे। लेकिन भला जब मीडिया कर्मी ही साथ ना हो तो आवाज जरा देर से सुनाई देती है उस तंत्र को, जिस तंत्र को जिम्मेदारी दी गई है। एक ऐसी व्यवस्था आप देख सकते हैं तस्वीरें, यह रीवा जिले का है और यह कटरा क्षेत्र का है, यानी देवधर विधानसभा अंतर्गत वह कटरा जहां पर लगातार भाजपा के गढ़ को माना जाता है। लेकिन आज वहां की जनता किस तरीके से, आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे, पानी के लिए लाइनें लगा रहे हैं। यानी वह पुराने दिन कहीं कहीं से उनको याद आ रहा है। एक उम्मीद दी गई, हर घर के द्वार पर टोटियां लगाई गई, लेकिन पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए व्यक्तिगत संसाधनों पर जूझना पड़ रहा है, और पानी की किल्लत आप इन तस्वीरों आप देख सकते हैं। इस तरीके से रीवा जिले ही नहीं, अनेकों जिलों के साथ में अगर देखा जाए तो रीवा में कई ऐसी तहसीलें हैं, चाहे नईगढ़ की बात हो, चाहे मनगमा की बात हो, चाहे गंगेव की बात हो, चाहे हनुमाना की बात हो, चाहे रायपुर करछुलियान की बात हो, यानी पूरे रीवा और महुगंज जिला को मिलाकर अगर बात किया जाए तो कई करोड़ रुपए का कार्य तो हुआ, कई करोड़ रुपए के पैसों को किस तरीके से दुरुपयोग किया गया अपने आस पास के गांवों में, अपने आसपास की गलियों में आप देखकर भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 10% कार्यों को छोड़ दिया जाए, 10% तो कार्य कहीं कहीं संपादित हो रहे हैं, लेकिन 90% में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, यह शायद है कि कोई पूछना भी न चाहेगा, क्योंकि पूछने वाले की लगातार आवाजों पर लगाम लगा दी जाती है। करोड़ों करोड़ रुपए यानी मोटे रकम खर्च करने के बावजूद भी पानी की टंकियां जो कंक्रीट के रूप में ढाली गई, वहां भी आधुनिक जमाने की इंजीनियरिंग फेल हो गई, वो भी पानी चूता नजर आता है। ऐसी कई तस्वीरें मध्य प्रदेश टीवी में लगातार मुद्दे की बात लगातार करते हुए आप देख सकते हैं, और ऐसे मुद्दों पर जरा आप एक शेयर लगा देते हैं इस वीडियो में तो शायद है कि बड़े मीडिया कर्मी भी इस प्रश्न को उठाने में कहीं कहीं से महत्वपूर्ण भूमिका समझेगी, क्योंकि इस पर इंटरेस्टेड जब आपका होता है तब कहीं कहीं बड़े मीडिया कर्मी उस पर आवाज उठाते हैं। ये मध्य प्रदेश की केवल एक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, वो भी पानी की, जो कि आज गर्मियों के दिनों में किल्लतें देखने को मिल रही है, लेकिन वह किल्लतें सालों साल से चल रही योजनाओं पर जिस पर मोटा रकम खर्च किया गया, कई करोड़ रुपए उसके जेब पर गया जो वर्तमान सरकार के चहेते के रूप में ठेका को संपादित किए, वर्तमान सरकार के चहेते के रूप में कंपनियां ने पाइपलाइन, मोटर, पानी की टंकियां और इसके साथ में ही एक मोटा रकम उनके जेब में गया। भला क्या फर्क पड़ता है उस जनता के समस्याओं पर, जो समस्या लगातार बनती ही जा रही है और विकराल रूप ले रहा है। हर जिलों में, हर तहसीलों में लगातार एक ही आवाज उठ रही है कि आखिर इतना मोटा जो पैसा खर्च किया गया उस पानी के लिए, उस जनता के दर्द को मिटाने के लिए, आखिर वह मूलभूत सुविधा गांव में धरातल स्थितों पर उतर क्यों नहीं रही है, कि कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रहेगा। इस तरीके से दृश्य आपके आसपास कहां पर देखने को मिलेंगे, आप वीडियो के साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उस पर आप जरूर शेयर करिएगा। और यह जो पानी की जो योजना थी, योजना का जो नाम है अब क्या दिया गया है, वो भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।